वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर साउथ में। और मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ सीतारामम एंड लाइगर के बीच में जो बैटल होने वाला है हम लोगों के बीच, और काफ़ी सारे प्रूफ मैं रखने वाला हूँ आपको। एंड तक पूरा प्रूफ मिलने वाला है कि कौन सा फिल्म जो है बेटर है। और हमेशा से मैं आपको बोलता आया हूँ कि एक्टिंग स्किल हमेशा से प्रिफर किया जाता है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे लाइगर मूवी की, जिसमें हमें अनन्या यानी कि अनाकोंडा को देखने को मिला था। अब अनाकोंडा ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ की चार्जेस ली थी, और वहाँ पे कितनी घटिया और वाहियात एक्टिंग, इतने सारे सोशल मीडिया पे ट्रोल किए गए हैं। वो हॉलीवुड वाला जो डायलॉग उन्होंने मारा था लाइगर में, तो उसको लेके काफ़ी सारा ट्रोल किया गया, और कहीं पे भी उनका जो एक्टिंग है वो उस एक्सप्रेशन के साथ तालमेल नहीं खा रहा था। एंड इस फिल्म की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन था बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया था, वेस्टर्नाइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टोरी जो है ऑडियंस की ओर जो है कनेक्ट नहीं कर पाई, और इसकी वजह से फिल्म का जो कलेक्शन है वो धीरे धीरे घटता गया और एंड में पूरा घट गया। वहीं अगर हम बात करें सीतारामम की, जिसमें हमको दिलकर सलमान और मृणाल ठाकुर का जोड़ी देखने को मिला था, रश्मिका मंदाना भी उसमें थी। अब आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए उन्होंने सिर्फ 50 लाख की चार्ज ली थी, और जो कैरेक्टर विजुअलाइजेशन यहाँ पे हमको देखने को मिला, जो एक्सप्रेशन, जो एक्टिंग, जो चीज़ें उन्होंने दिखाया इस फिल्म के ज़रिए, अभी तक जो कलेक्शन आ रहा है सीतारामम का काफ़ी कमाल का आ रहा है। हिंदी वर्जन में स्क्रीन काउंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया इनकम हो रहा है, और मैं इसीलिए जो है ज़्यादातर बॉलीवुड एक्ट्रेस को जो है सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो एक तो नेपोकेट होते हैं, दूसरा एक्टिंग का आता पता नहीं। पूरी लिस्ट है बॉलीवुड में जिनको सही से एक्टिंग नहीं आती, लेकिन उनको बैक टू बैक फिल्में मिलते जाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि कोई भी फिल्म अच्छी कमाती है उसको लेके ज़्यादा कोई प्रमोट करता नहीं है। कश्मीर फाइल को यहाँ तक कि कपिल शर्मा शो में भी बुलाया नहीं गया था। एक जगह पे 3 करोड़ है और दूसरे जगह पे 50 लाख, और 50 लाख का आउटपुट आप अभी तक देख रहे हो। अभी तक सीतारामम का आप जाके देख लो 70-80% ऑक्यूपेंसी में जो है ये फिल्म चल रही है थिएटर पर, लेकिन यहाँ पे एनाकोंडा यानी कि लाइगर का फिल्म आप जाके देखो, मतलब अभी तक स्क्रीन काउंट भी सही से नहीं है, और अभी तक लाइगर जो है पूरा स्क्रीन से हट चुका है। गिने चुने कोई थिएटर पे अगर होगा, मतलब हैदराबाद या चेन्नई में, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।